गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवोनी। तो आज के हम अपने इस वीडियो पे ये हैवी ड्रेस आपको बनाना बताएंगे। ये बहुत ही कम टाइम पे बनने वाली और बहुत ही कम मटेरियल में बनने वाली ब्यूटीफुल ड्रेस है। आप इस जन्माष्टमी में इस टाइप की कम टाइम में ये हैवी ड्रेस बना करके अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे जब वो ये पहनेंगे। और ये बहुत ही कम समय बनती है। तो चलिए हम बताते हैं इस ड्रेस को मुझे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये नेट यूज़ किया है, देखिए थोड़ा सा डिजाइनर नेट है इस टाइप का। और मैंने यहाँ पे लाइनिंग के लिए ये देखिए इस टाइप का कपड़ा यूज़ किया है। ये देखिए इस पर थोड़ा सा गोल सर्कल से डिज़ाइन है ब्लैक कलर की। ये देखिए मैं इसको लाइनिंग की जैसे यूज़ करूँगी और मैं ये सारी चीज़ें बुकरम पर पेस्टिंग करूँगी। ये देखिए बुकरम पर इसका बेस है यहाँ पर और ये लेस यूज़ करूँगी। बस सिंपल सी ड्रेस बनेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बुकरम का बेस कैसे कट कर रही हूँ। ये जो ड्रेस मैं अपने 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए 8 इंच के घेर वाली ड्रेस लगती है 4 नंबर लड्डू गोपाल को। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर ये बेस राउंडर की हेल्प से कट किया था। ये देखिए राउंडर की हेल्प से मैंने बुकरम का एक बेस कट किया था। ये देखिए ये 4 इंच है, यहाँ पर आप रख करके ये 4 इंच इंची टेप से ये 4 इंच मेजर कर लीजिएगा। फिर बुकरम पे ऐसे सेंटर पे रख करके ये 4 इंच का एक सर्कल ड्रॉ किया है, जो ड्रॉ होने के बाद ऑटोमेटिक 8 इंच का हो जाएगा। ये देखिए 4 नंबर लड्डू गोपाल को 8 इंच के घेर वाली ड्रेस लगती है। ये देखिए अब कमर का साइज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग कट कर लिया। आपको यदि ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा और बड़ा कट कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है इतना घेर। अब हम इस पर इसकी पेस्टिंग करेंगे। ये देखिए कपड़ा जो मैंने लिया हुआ है, तो देखिए मैंने इसका कट कर लिया है ये सर्कल के बेस का पार्ट इस कपड़े का, तो वो ये है। आप ऐसे बुकरम रख करके इस कपड़े पे ऐसे एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिए ताकि ये फोल्डिंग में काम आ सके। ये देखिए अब हम इस पर पहले हम इसको इस पर पेस्ट नहीं करेंगे। पहले जो ये नेट का कपड़ा जो है, पहले हम इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा हमने लिया है ये देखिए, तो हम इसको ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। पहले हम इस पर सिलाई कर देंगे ऐसे करके, ताकि हमारा नेट फिक्स हो जाएगा। और एक्स्ट्रा की कटिंग करने के बाद इसको उठा करके हम सीधे और इस पर ये जो बुकरम है उस पर हम ऐसे पेस्ट कर देंगे और चार साइड से सिलाई कर देंगे, तो बिल्कुल ये गोल शेप पे आ जाएगा इस तरह। तो चलिए मैं इतना कंप्लीट, हमारा बेस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसके चारों साइड अच्छे से सिलाई कर दी हमने, जिससे ये कपड़ा हमारे बुकरम पे अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। ये देखिए हमने कमर के पास देखिए पीछे साइड से ऐसे पलट करके हमने यहाँ पे से सिलाई करके ये जो कमर वाला पोर्शन था ये देखिए ऐसे करके हम राउंड करके सिल दिए, ताकि यहाँ से भी कपड़ा फिक्स हो जाए। हम यहाँ पे से सीजर्स की हद से कट करके कमर वाला ये पार्ट कट कर देंगे। कट करने के बाद मैं यहाँ पे ये लेस ऐसे लगा दूंगी राउंड करके, जब ये कट हो जाएगा ये देखिए, और इसके चारों साइड पे मैं ये लेस लगा दूंगी जो मैंने बताई थी। ये देखिए इसके बाद फिर मैं शोल्डर बैंड लगाऊंगी। तो चलिए पहले मैं इतना कंप्लीट, बनकर रेडी हो चुका। हमने इस पर अच्छे से लेस लगा ली और साइड को भी अच्छे से कवर कर दिया ये गोल्डन लेस से, ताकि हमारा फैब्रिक निकले ना। ये देखिए फाइनली बनकर तैयार हो चुका। हमने यहाँ कमर की कटिंग कर दी। ये देखिए अब हम इस पर शोल्डर बैंड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर बैंड लगाने के लिए इसी नेट के और यही कपड़े के बेस के अकॉर्डिंग ये बैंड तैयार की हुई। ये देखिए जिसको हम इस ड्रेस पे लगाएंगे, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये 4-4 इंच के हैं। ये देखिए 4 इंच का शोल्डर बैंड है, आधे आधे इंच हमारा चला जाएगा सिलाई पे। तो इस तरह ये शोल्डर बैंड लग जाएंगे। ये 1 इंच चौड़ाई वाले शोल्डर बैंड है। ये देखिए इनकी चौड़ाई जो है वो समथिंग 1 इंच ही है। ये देखिए 1 इंच के चौड़े शोल्डर बैंड है, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे। इसको मैंने ये नॉर्मल जो हमने बेस पे कपड़ा लिया था उस पर इसी नेट को कवर करके साइड पे यही जो हमने गोल्डन लेस लगाई है इसको लगा करके कवर कर दिया, ताकि जब इस पर लगाएं तो ये कॉर्नर पे थोड़ा सा प्यारा सा लुक आए। तो चलिए मैं इसको लगा दूंगी। तो पहले एक बैंड को दूसरे बैंड के ऊपर क्रॉस करके ऐसे सिल लेंगे यहाँ पे से, फिर इसको यहाँ पे ऐसे रख करके सिलाई करेंगे, यहाँ पे ऐसे रख कर सिलाई करेंगे। ये देखिए देन इसका ये वाला शोल्डर बैंड जो ये एक साइड है इसको रख करके ऐसे राउंड करके सिलेंगे, ऐसे दबाते हुए यहाँ पे सिलेंगे ऐसे राउंड करके, ताकि हमारा ये बैंड ऐसे तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम अंदर सिलाई करेंगे, तो हमारे ये बैंड बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसकी सिलाई कर इसके शोल्डर बैंड भी लगा दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका जो कॉर्नर में मैंने ये लेस लगाई काफ़ी प्यारा लुक दे रही है शोल्डर बैंड को। ये देखिए तो फाइनल हमारे शोल्डर बैंड भी बनकर लगकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इस ड्रेस को और हैवी बनाने के लिए इस पर कुछ पैच यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप के पैच मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, इस टाइप के स्टोन के बने हुए हैं। ये देखिए स्टोन लगा हुआ है, पर लगी हुई लास्ट में। ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लगाऊंगी, ये मैं 4 यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए इस तरह मैं इसे लगा दूँगी, ताकि ये थोड़ी हैवी हो जाए। और एक इस टाइप का मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसको सेंटर पे लगाया जा सके। ये देखिए इस सभी को मैं ग्लू की हद से फिक्स कर दूँगी
ये देखिए, तो हमारी ड्रेस काफ़ी हैवी बनकर तैयार हो जाएगी, ये देखिए। और मैं यहाँ पे शोल्डर बैंड थोड़ा सा खाली लग रहा है एक साइड पे, जिस साइड वो लड्डू लिए रहते हैं उसके अपोजिट साइड पे, इस वाले शोल्डर बैंड पे एज अ ब्रोच जैसा मैं ये लगा दूंगी, ये वाला पैच, ये देखिए, ये ड्रॉप शेप पे है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो काफी सुंदर हमारा शोल्डर बैंड भी लगने लगेगा। तो चलिए मैं सभी को फिक्स कर, हमने सारे पैच को भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही अटैच कर दिया है इस पे, ये देखिए फिक्स कर दिया, अच्छे से चिपका दिया, एकदम फिक्स हो चुके हैं। ये देखिए शोल्डर बैंड पे भी अच्छे से फिक्स हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे जो कमर पे, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को जो वैसे कमरबंद पहनाते हैं, कुछ लोग नहीं पहनाते, मैंने यहाँ पे इस टाइप का बनाया हुआ, ये देखिए। इसको मैं ड्रेस पे अटैच नहीं करूंगी, सिर्फ ड्रेस पे ऐसे जब उनको पहनाऊंगी तो इस तरह से बांध दूंगी, ये देखिए ऐसे, तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा। इस तरह से पीछे ये डोरी की हेल्प से ही बांध दूंगी, तो हमारी ड्रेस को एक बहुत ही प्यारा और डिफरेंट लुक देगा, ये देखिए। तो हमारी ड्रेस और भी हैवी लगने लगेगी, तो हमारी ड्रेस तो बनकर रेडी हो चुकी है, और उस पर कमरबंद शेप पे मैंने जो लगाया हुआ, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, कमरबंद ही है, और जो कि हमारी ड्रेस को बहुत ही डिफरेंट लुक देगा। सो आई होप गाइस हमारी ड्रेस आपको पसंद आई, यदि आपको हमारी ये ड्रेस अच्छी लगी हो और जन्माष्टमी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप भी इस टाइप की ड्रेस बनाइए, अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। यदि आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।